नमस्कार दोस्तों, दास सर्विस सेंटर चैनल में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास एक टीवी लेके आया और यह टीवी 32 इंच का टीवी है। SM4186 का पैनल है। तो मैकेनिक्स भाई ने मुझे बताया, मैं ये टीवी को 3-4 दिन से मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ उसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये रिपेयर हो नहीं पा रहा है। और मैंने इस पैनल में जितना CKB ट्रैक है, कॉप ट्रैक है, ये सब मैंने काट दिया। काटने के बाद फिर लगाया, फिर भी ये टीवी कुछ इमेज नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, ये मैकेनिक्स भाई भी मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया ये टीवी को रिपेयर करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी ये वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड करे, ताकि इस फॉल्ट का बारे में आप लोग को भी जानकारी होगा। और ये फॉल्ट आखिर में ये इतना कुछ करने का बाद भी ये फॉल्ट को बना नहीं पाया, तो उसका बजाय तो कुछ होगा। SM4186 का पैनल जो है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इस पैनल का रिपेयर का बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। और ख़ास तौर पर मेरे चैनल में आप लोग आए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को इस पैनल का बारे में पूरा जानकारी मैं दूंगा, ताकि आप लोग का साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए और पूरा एंड तक, और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, उसमें क्या फॉल्ट है, क्या हुआ नहीं हुआ, वो मैं आप लोग को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। मेरे चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और पहले से जो सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो बाइल ये टीवी को लेके आया, ये भाई ने मुझे बताया टीवी पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं है, बैकलाइट भी ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन पावर सेक्शन का एक फ्यूज़ लगाया उसका बाद ये टीवी चलने लग गया, लेकिन कुछ इमेज नहीं आया, ओनली बैकलाइट जल रहा था। बाद में इन्होंने क्या किया, ये भाई ने किसी का वीडियो देख कर ये सारी ट्रैक को काट दिया। ट्रैक काटने का बाद फिर टीवी को ऑन किया, तो टीवी ऑन हुआ। उसका बाद वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज भी आया, VGH, ABD वोल्ट, हर कुछ वोल्टेज आया टीवी में, लेकिन डिस्प्ले में कुछ इमेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो बहुत ही कोशिश करने के बाद भी ये नहीं हुआ, तो मेरे पास लेके आया। तो मैंने क्या किया, उसको अच्छा से देखा, ये पैनल को पहले देखा मैंने, ये पूरा डिस्प्ले को मैंने खुला, खुल के ये अंदर में भी हम मैंने चेक किया, उसके बाद बाहर में भी चेक किया। चेक करने का बाद में मुझे फॉल्ट मिला। तो ये क्या फॉल्ट है वो मैं आप लोग को मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग ये जानेंगे, पहले ये टाइप का अगर पैनल अगर आए आप लोग के पास तो पहले क्या करें आप लोग, तो ये मैं आपको आप लोग को मैं क्लियर बताता हूँ। तो देखिए, पहले ये सिंगल कप का जो पैनल है, तो ज़्यादातर से SM4186 का IC लगा रहता है। तो कुछ वोल्टेज है जो हर पैनल में, हर वोल्टेज एक जैसा नहीं होता है, और उसमें एक मेमोरी IC लगा रहता है ये पैनल में, और DC to DC IC, उसका बाद ये गामा IC कुछ भी नहीं है। तो
पहले आप लोग ऐसा टाइप का पैनल आने से पहले आप लोग वोल्टेज को चेक करें, क्योंकि ये 12 वोल्ट का पैनल है और 12 वोल्ट पैनल को पहले मीटर से चेक करिए पैनल वोल्टेज को, पहले 12 वोल्ट को। और आप लोग को मैं और एक चीज़ बता के देता हूँ, हमेशा कोई भी पैनल को आप लोग जब चेक करें एक डायरी आपका पास साथ में रख लेना, और डायरी में कौन सा क्या वोल्टेज है वो डायरी में लिख के रखना। इससे क्या होता है, काम भी बहुत इजी होता है करने में, और दूसरा टाइम में सेम टू सेम पैनल आएगा तो उस टाइम दिक्कत नहीं होता है चेक करने का टाइम में, और बहुत इजी से ये बन जाता है। तो आप लोग को मैं इस बोल रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे करिए तो ये बेस्ट रहेगा काम करने टाइम में और सीखने में। तो दोस्तों 12 वोल्ट को देख लेना पहले, 12 वोल्ट आ रहा है, और 12 वोल्ट आने का बाद ये जो ये 12 वोल्ट ये LBDS के रूप से मेन बोर्ड से आएगा, आने का बाद ये डायरेक्ट DC टू DC में इन हो रहा है, और कुछ डायरेक्ट चला गया ये कप का साथ जो डिस्प्ले का अंदर में। और ये DC टू DC IC 12 वोल्ट इन होने का साथ स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं, उस टाइम ये वोल्टेज को 5 सेकेंड का बाद ये वोल्टेज आउट होता है 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.9 वोल्ट, और ABD वोल्टेज, BGL वोल्टेज, BGS वोल्टेज। तो वही 12 वोल्ट आने का बाद ही ये वोल्टेज बनता है जब रिलीज़ करते हैं हम लोग, स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं तब। और ये 3.3 वोल्ट आ रहा है, 1.8 वोल्ट आ रहा है, और BGS वोल्ट नहीं है, मीटर से चेक करने का बाद ये 3 वोल्टेज मिल रहा है, 1.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। तो दोस्तों सोच लेना ये DC टू DC IC ओके है, ये DC टू DC IC ख़राब नहीं होगा। अगर ये वोल्टेज आएगा 1.8 3.3 वोल्ट अगर आ जाएगा तो कभी भी नहीं मत सोचना ये DC टू DC IC ख़राब है, DC टू DC IC ओके है, उसका वजह से ये 3.3 वोल्ट आ रहा है, 1.1 वोल्ट आ रहा है। क्योंकि दूसरा पैनल में देखिए, दूसरा पैनल में जो स्काइलर PCB होते हैं तो उसमें एक रेगुलेटर लगा रहता है, 12 वोल्ट का होगा तो ये 5 वोल्ट सप्लाई करता है, 3.3 वोल्ट सप्लाई करता है रेगुलेटर से, लेकिन इस पैनल में कोई रेगुलेटर नहीं लगाया गया। इस पैनल में ओनली ये DC टू DC 12 वोल्ट इन होने का बाद ही ये एक ही साथ में हर वोल्टेज निकलता है, लेकिन कुछ पैनल में शॉर्ट होने का वजह से BGS वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। मीटर से मीटर से चेक करेंगे तो भी ये मीटर रीडिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया इसका वजह से। लेकिन 3.3 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.8 वोल्ट ये ज़रूर आप लोग को मिलेगा, तो ये आप लोग अच्छा से देख लेना। उसका बात क्या करें, ये जो ट्रैक ये देखिए आप लोग ट्रैक देखिए, ये एक साइड का हो गया, ये एक साइड का हो गया, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड हो गया, तो उसमें कुछ काटने का और कुछ सिग्नल आया ये साइड में, ये दोनों साइड में कुछ सिग्नल आया है लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो इसका सिग्नल का ये नंबर यहाँ पर दिया लिख के, ये टेस्ट पॉइंट है। तो बहुत ही ऐसा है, मुझे कमेंट किया है सर ये टेस्ट पॉइंट को हम लोग पता नहीं चल रहा है, ये क्या टेस्ट पॉइंट है, कहाँ पर, यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं है, क्या वोल्टेज आ रहा है वो भी लिखा नहीं है, तो कैसे पता करें। वो भी मैं आप लोग को क्लियर से मैं बताऊँगा, आप लोग फिक्र ना करें। तो दोस्तों ये पैनल जब काट करे पहले ये जगह पर, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, दोनों साइड में ये साइड पे भी BGL BGH ABD 12 वोल्ट इन होता है, और ये साइड में भी हर वोल्टेज को ये साइड से इन हुआ, ये राइट साइड से भी BGH BGL ABD वोल्टेज इन हुआ, ये दोनों साइड से। तो पहले क्या करना, ये साइड को अच्छा से, इससे अगर पैनल में आएगा प्रॉब्लम आएगा तो पहले ये दोनों साइड का, ये आप लोग याद रखना सिंगल कोप में ये दोनों साइड सबसे मेन माना जाता है, दोनों साइड को अच्छा से क्लीन करना। क्लीन करने का बाद थोड़ा सा
टीनर वो अच्छा वाला टीनर लेना, जैसे ये इसमें ज़्यादा लगेगा नहीं, ये हिसाब से थोड़ा लेना। लेके ये जगह पर वॉश करना, पहला वॉश करके मोबाइल को या मोबाइल से एक फ़ोटो लेना, थोड़ा जूम करके एक दो फोटो लेके रखना। ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए जब इसको काट कर देते हैं, ट्रैक को काटेंगे आप लोग जब, उस टाइम क्या होता है, ये बहुत ही छोटा लाइन है, वो आँख से नज़र भी नहीं आ रहा है, ऐसा लाइन है। तो उस टाइम क्या होगा, अगर आपका पास वो मोबाइल का साथ वो फोटो रहेगा तो फोटो देख के आप पता कर सकते हैं जो कौन लाइन में कनेक्ट होगा, कौन लाइन से मैं काटा हूँ, कौन सा जगह पर ये जॉइंट मारने से ठीक होगा, ये देख के आप काम कर सकते हैं। तो पहले ऐसा करना, एक फ़ोटो ले लेना, उसका बाद पैनल में पहले राइट साइड को काटना। राइट साइड को काट कर पहले ये जगह से काट कर देना, ये ट्रैक को, ये पांच ट्रैक है, ये इसको काट देना एक साथ। वो काटने का टाइम में जो चाकू होगा, छुरी होगा, वो इतना धार होगा जैसे एक टन में काटना चाहिए, दोबारा लगाना नहीं चाहिए, दोबारा लगने से होगा नहीं। और ये काटने का प्रोसेस भी मैंने पिछली एक वीडियो में बताया किस तरह काटना है, तो उसको काट लेना है, एक ही टन में काटना है, दो बार नहीं लगाना है ब्लेड को। तो काटने का बाद फिर एक बार सप्लाई को देना, दे के आप लोग पहले चेक करना, ये बीच जगह पर बीजेज वोल्टेज है, बीजेज वोल्टेज को चेक करना, और एबीडी वोल्टेज ये जगह पर है, एबीडी वोल्टेज 14.9 वोल्ट इसे आएगा ये वोल्टेज। उसका बाद एबीडी वोल्टेज बीजेज वोल्टेज अगर आ जाएगा तो सोच लेना ये टीवी बन गया, मतलब टीवी में अभी इमेज आएगा, नो सिग्नल का इमेज आएगा, लेकिन कुछ तो बार लाइन का प्रॉब्लम आएगा। तो बार लाइन की होता है, ये जगह पर बीजेल का एक वोल्टेज है, दो पिन में बीजेल वोल्टेज गया, दो पिन में बीजेज गया, और एबीडी वोल्टेज हो गया, 2.6 kV लाइन हो गया, फिर 12 वोल्ट इन हुआ, फिर एक नेगेटिव इन हुआ, ये एक एक लाइन शॉर्ट होने का वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग इसी तरह काट करना, और फिर अगर हो जाएगा तो एक एक लाइन को जोड़ देना। और ये जो दोनों तीन नंबर पिन है, ये तीन नंबर पिन बीजेज होगा, और चार नंबर हो गया बीजेल, और ये साइड में भी तीन नंबर होगा बीजेज और चार नंबर होगा बीजेल, और CKB होगा एक नंबर, ये साइड में दो नंबर हो गया CKB। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग मेरे बात को मेरे बात समझ गया होगा। और इस टाइप का पैनल आने से ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करना, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी बात करते हैं जो टीवी मेरा पास लेके आया, तो वो टीवी मैं ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ये टीवी अभी पूरी तरह से बन गया। और मैंने ये पैनल में क्या किया, इसमें कहाँ से किया, लाइन दिया क्या किया ये इस पैनल में, उसका बाद पैनल बन पाया, तो इसका बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड हो गया ये जगह, और ये राइट साइड हो गया। तो मुझे ये जगह पर फॉल्ट मिला, ये बीजेज का साथ एबीडी वोल्टेज शॉर्ट हो गया, जो एबीडी का ट्रैक है वो बीजेज ट्रैक का साथ शॉर्ट हो गया, उसका वजह से ये पैनल में कुछ नहीं आ रहा था। और ये मैकेनिक भाई ने ये जो ट्रैक को काटा है, ये दोनों ट्रैक को गलत तरीका से काट दिया, इसे ट्रैक को काटेंगे तो पैनल को भी बन नहीं पाएगा, ये ट्रैक को गलत तरीका से काट दिया, ये देखिए। और मैं एक एक करके मैं देख के लगाया, ये देखिए, और ये जगह पर भी फॉल्ट मिला, उसका बाद ये अंदर में भी फॉल्ट मिला, वो भी मैं आप लोग को देखा करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए,
ये देखिए इस पैनल का, ये देखिए ये जगह पर फॉल्ट मिला, तो मैं एक वायर का मदद से मैं ये वोल्टेज को ट्रांसफ़र दिया बाहर साइड में, और फिर ये जगह पर भी फॉल्ट मिला है, ये जगह पर भी। देखिए मैं अच्छा से आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए ये जगह पर, ये देखिए ये लेफ्ट साइड का हो गया और ये हो गया राइट साइड का, ये हो गया राइट साइड का। तो ये साइड से भी काटने से बनता है, ये साइड से काटने से बनता है, लेकिन जो जानकारी नहीं वो कभी भी नहीं करना। और ये साइड में अगर काटेंगे जानकारी नहीं होगा तो पैनल में दिक्कत आएगा और बनाने में बहुत दिक्कत आएगा। तो ये साइड में अच्छा से नहीं जानने से मत काटना कभी भी दोस्तों। तो ये देखिए मैं ये जगह से काट करके ये दो वायर से मैं बाहर में कनेक्शन किया, ये देखिए उसका बाद ही ये पैनल बन पाया। तो दोस्तों एक बार उसको जो मैंने बनाया तो उसको ये टीवी को एक बार चला के भी हम लोग देखते हैं, और आप लोग को फॉल्ट दिखाना ज़रूरी है। तो LBD इसको पहले लगा देते हैं, ये लग गया, और अभी एक बार चेक करते हैं, चेक करके आप लोग को बताते हैं। तो ये देखिए मैं पावर को लगाया और ये बैकलाइट ऑन हो गया, ये देखिए बैकलाइट जल रहा है अभी, और ये देखिए मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये बन गया, ये देखिए नो सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखिए देखिए। तो दोस्तों इसी तरह काट करना है, और इसे ही बनाना है उसको, ये टीवी को। ये पूरी तरह से ठीक हो गया दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।